है। आपने जो आपने जो एम सी उसके लिए की चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि आपसे जब एमसी में पूछा जाता है कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कारिक साइकिल में कहा पे बनेगा ठीक है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कारिक साइकिल में कहा फॉर्म होगा ठीक है तो रिमेंबर कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की जो फॉर्मेशन है वो सिस्टली के फेज से पहले स्टार्ट हो जाएगी ठीक है यानी जहां पे पेस्ली स्टार्ट होगी सिसली मीनटिकुलर कॉन्ट्रेक्शन कॉन्ट्रक्शन उस वक्त होगी जो वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन होगी ठीक है सो हाफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स हाफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो कार्डिक साइकिल में जो बनेगा वो सिसली से पहले बनेगा आपको जो एमसीक्यूज में चीज कंफ्यूज करते हैं ठीक है जस्ट टू रिमेम्बर कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या है वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन कहा होगी Systly, या का जो सिस्टली का फेज है जहाँ पे एमटिंग हो रही है उससे पहले होगी ठीक है टी बनेगी? टी डायस्टली शुरू होने से टी जो है, वो डायस्टली शुरू होने से पहले बनेगी तो टी वेव कहाँ बनेगी टी वेव यहाँ सिस्टली में बनेगी तो उसके बाद डायस्टली का फेज स्टार्ट होगा बिकॉज टी वेव क्या है इज दिस क्लियर ठीक है तो टी टीवे कहाँ बनेगी सिस्टली में बनेगी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहा बनेगा में बनेगा इज दिस क्लियर टू एवरीबडी ओके नाउ जो है uh, हम थोड़ा सा जल्दी से प्रेशर्स और कर्व्स डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड कहाँ होगा बिगनिंग ऑफ द कार्डिक साइकिल में ठीक है द बिगनिंग ऑफ सिस्टली में ठीक है फर्स्ट हार्ट साउंड डेवलप होगा यहाँ पर सेकेंड हार्ट साउंड डेवलप होगा यहाँ पर ठीक है तो फर्स्ट हार्ट साउंड आइसोवालमिक कंट्रैक्शन में सेकेंड आइसोवालिमिक रिलैक्सेशन आइसो कंट्रैक्शन में कौन से वेल्स खुलेंगे ठीक है एवी खुलेंगे एवी सॉरी सेमी ल्यूनर खुलेंगे एवी वी क्लोज हैं ठीक है आइसोवालिमिक रिलैक्सेशन में कौन से खुलेंगे जो है सेमी ल्यूनर क्लोज हुए हैं और एवी खुलेंगे फिलिंग में कौन से खुलेंगे रिमेंबर फिल जब होने वाला है वेंट्रिकल तो कौन से हमें दरवाजे खुले हुए चाहिए एवी के दरवाजे खुले हुए होने चाहिए ठीक है जब एम्प्टी होने वाला है तो तब कौन से दरवाजे खुलने चाहिए एओर्टा पल्मोनरी वेल के खुलने चाहिए ठीक हो गया अच्छा अब इस गाड़ी साइकिल के अंदर और भी ग्राफ्स हैं जिसमें वॉल्यूम का ग्राफ है प्रेशर का ग्राफ है ठीक है पहले हम वॉल्यूम का ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं सिंपल ग्राफ है अब आइसो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रेक्शन का क्या मतलब है आइसो वॉलमिक कंट्रेक्शन का मतलब है नो चेंज इन वॉल्यूम ठीक है अब वॉल्यूम कितना होता है अब ये नो चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या है कि अब वेंट्रिकल इस वक्त भरे हुए हैं अब उनको खाली होना है अब इतना प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि जो है सेमी सेमिल्यूनर ओपन हो जाए ताकि एमटिंग स्टार्ट हो ठीक है तो ये जो वॉल्यूम होता है ये वॉल्यूम कितना होता है 120 ml या ml. इस वॉल्यूम को जो है हम कहते हैं एन सिस्टोलिक वॉल्यूम वो वॉल्यूम एन डायस्टोलिक जो है वॉल्यूम वो वॉल्यूम जो कि डायस्टली के खत्म होने पे हमारे लंग हमारे वेंट्रिकल्स में है दैट इज द एंड डाइस्टॉलिक वॉल्यूम ठीक हो गया ये कितना है वन ट्वेंटी एम एल या वन थर्टी एम एल अब जैसे ही इजेक्शन स्टार्ट होगी तो ये खाली हो जाएगा ठीक है ये खाली हो जाएगा और ये जो वॉल्यूम जो रह जाएगा ये क्या है एंड एनडाइस्टॉलिक ठीक है जो रह जाएगा वो एंड एनसटॉलिक ठीक है और ये कितना होता है फिफ्टी एम एल ठीक है जो एम टी हुआ जो ये एम टी हुआ ये जो एम टी हुआ ये क्या है ये एम टी वाला जो वॉल्यूम है ये है स्ट्रोक वॉल्यूम ठीक है सही एंड एस्टोलिक वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम का जो रेशियो है ठीक है वो है इजेक्शन फ्रैक्शन जो हम देखते हैं जब इको वगैरह देखते हैं तो द फ्रैक्शन ऑफ द एंड वॉल्यूम विच इज इजेक्टेड दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम ठीक है स्ट्रोक वॉल्यूम का जो इजेक्शन जो वॉल्यूम इजेक्ट हुआ दैट इज द इजेक्शन फ्रैक्शन इज दिस क्लियर तो हमने क्या क्या बात की हमने बात की एंड डायस्टॉलिक वॉल्यूम की ठीक है हमने बात की स्ट्रोक वॉल्यूम की ठीक है और हमने बात की एंड सस्टॉलिक वॉल्यूम की और फिर हमने बात की इजेक्शन फ्रैक्शन की ठीक है तो एंड डायस्टॉलिक क्या था जब डायस्टली ख़त्म हुई है जब फुल फिलिंग हो गई है तो ये तकरीबन वन ट्वेंटी एम एल स्ट्रोक वॉल्यूम जितना एम टी हुआ तकरीबन सेवेंटी एम एल जो रह गया बाकी वो फिफ्टी एम एल ठीक है जो फ्रैक्शन किसका है एंडस्टोलिक वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम का जो फ्रैक्शन है यानी हम इसको निकालते कैसे volume, ठीक है ये जो इसका जो फ्रैक्शन आता है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो सिक्सटी परसेंट जो है ठीक हो गया ये हम बात करें एमटीन की एमटीन होने के बाद जो आइसोवॉल्यूम वॉल्यूम की रिलेक्सेशन है अगेन इसके अंदर कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं आएगा ठीक है उसके बाद क्या होगा उसके बाद रैपिड फिलिंग होती है ठीक है ठीक है फिर स्लो फिलिंग होगी और फिर एट्रियल सिस्टम होगा और फिर से जो है वेंट्रिकल भर जाएंगे तो ये भरने के बाद जो वॉल्यूम है ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो कि यहाँ पे रेड से मैंने शो किया इज दिस क्लियर ठीक है इसमें हमने ये सारे वॉल्यूम्स जो है वो डिस्कस कर लिया अच्छा उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास आयोटिक का और ए सी बी वेवस का ग्राफ आ जाता है जो आपको अक्सर जो है प्रॉब्लम कर रहा होता है क्या, ना। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं वेंटिकुलर प्रेशर्स के ग्राफ अब ग्राफिकुलर प्रेशर्स के ग्राफ में जो आपको यूजली आता है उसमें जो आपको याद करने वाली बात है कि अयोटिक वेल्व कितने प्रेशर पे ओपन खुलता है ठीक है रिमेंबर कि जब जो है एवी क्लोज हुए थे ठीक है उस वक्त जो वेंट्रिकल का जो प्रेशर था वो प्रेशर जो है वो अराउंड जीरो था ठीक है जब एवी क्लोज हुए थे ठीक है तो एवी क्लोज कितने पे हुए थे कि अभी जो है आ, आ क्या माइनस करेंगे नोमान वन ट्वेंटी में से इजेक्शन फ्रैक्शन की बात कर रहे हो अगर आपको एन डाइस्टॉलिक वॉल्यूम दिया हुआ है ठीक है और आपको एंड सिस्टॉलिक वॉल्यूम दिया हुआ है स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं दिया हुआ तो स्ट्रोक वॉल्यूम निकालने के लिए आप जो है एन डाइस्टॉलिक से सिस्टोलिक वॉल्यूम माइनस करोगे तो आपको स्ट्रोक वॉल्यूम मिल जाएगा ठीक है अगर आपको स्ट्रोक वॉल्यूम गिव है और एन डायस्टॉलिक वॉल्यूम गिव है तो आप इसका रेशियो जैसे परसेंटेज निकालते हैं वो परसेंटेज निकालोगे स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइड बाय एन डायस्टॉलिक वॉल्यूम ठीक है मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो वो इजेक्शन फ्रैक्शन होगा ठीक है अच्छा अब जब ए वी क्लोज हुए हैं उस वक्त वेंट्रिकल अच्छा देखो वेंट्रिकल के प्रेशर ज़ीरो से जो है एज हाई एज जो है वो हंड्रेड एंड ट्वेंटी तक भी चले जाते हैं हंड्रेड एंड टेन तक चले जाते हैं ठीक है थीके? इतने प्रेशर्स की वेरिएशन है वेंट्रिकल में और अगर हम आयोटा की बात करें तो ये प्रेशर एटी से वन ट्वेंटी होते हैं ठीक है थीके? अब एटा का मिनिमम प्रेशर है एटी ठीक है एटा का सही है तो इसका ये मतलब है कि वेंट्रिकल में 80 तक का प्रेशर जब डेवलप होगा तो ही आयोटिक वेल्व ओपन होगा उससे पहले नहीं ओपन होगा ठीक है तो आइसोवलमिक जब आइसोवालिक कंट्रैक्शन हो रही है उस वक्त हो क्या रहा है एक्चुअली उस वक्त वेंट्रिकल्स के अंदर इतना प्रेशर अगर ये जीरो प्रेशर है ठीक है इतना प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि वो 80 एम एम तक चले जाए तो यहाँ पे आयोटिक वेल्व ओपन होंगे क्लियर है ये चीज ठीक है जब वो अयोटा के वेल्व को इतना प्रेशर बिल्डअप करेगा कि वो एयोटा को ओवरकम करेगा तो इंजेक्शन स्टार्ट होगी ठीक है और जब इंजेक्शन स्टार्ट होती है ठीक है तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि अयोटा का प्रेशर अगेन जो है वेंट्रिकल के प्रेशर से ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पे अयोटिक वेल्व क्लोज हो जाता है ठीक है अब अयोटिक वेल्व क्लोज हो गए हैं लेकिन अभी ये एवी वेल्व ओपन नहीं हुए हैं क्योंकि ओपन कब होंगे जब ये जीरो तक वापस आएगा ठीक है तो यहाँ पे एवी क्लोज हुए थे यहाँ पे एवी ओपन होंगे यहाँ पे आयोटिक ओपन हुआ था यहाँ पे आयोटिक क्लोज होगा इस तरह से ये जो है 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 लेफ्ट प्रेशर का ग्राफ बनता ठीक और एंट्रिकल के प्रेसर्स कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं फ्रॉम जीरो टू वन टेन वन ट्वेंटी तक हम कह सकते हैं वन टेन तक सेफली के इतने प्रेशर जो है उसके जा रहे हैं और अयोटा के प्रेशर्स कितने जा रहे हैं एज लो एज एटी एज हाई एज वन टी क्लियर है अब जब हम अयोटा का प्रेशर कफ बनाते हैं तो वो हम इसी एरिया में बना देते हैं ठीक है इसी एरिया के अंदर हम बना देते हैं और यहां पर हम जो है एक नॉच बनाते हैं अक्सर आपने देखा होगा ये आयोटा के प्रेशर में ये नॉच होती है ठीक है ये नॉच जो है इस नॉच की ये नॉच का पर्पस क्या होता है ये नॉच बनी क्यों ये नॉच इसलिए बनती है कि जब जो है ए, सेमी सेमिलर या आयोटिक वेल्व क्लोज हुआ ठीक है उस वक्त क्या हुआ कि आयोटा अभी वो वेल्व क्लोज प्रॉपरली हुए नहीं है ठीक है और जो है वेंट्रिकुलर के अंदर ब्लड वापस आया आयोटा से बैक प्रेशर की वजह से ठीक है तो ये डायक्रोटिक नॉज बनती है यहाँ पर अयोटिक ग्राफ के अंदर इज दिस क्लियर ठीक है और ये नॉज कहाँ दिखेगी आपको आयोटा के अंदर दिखेगी अयोटिक प्रेशर कर्व के अंदर दिखेगी मैं आपको पूरा कार्डिक साइकिल का ग्राफ दिखाऊंगी तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी ठीक है अभी मैं आपको तोड़ तोड़ के पढ़ा रही हूँ ताकि जब आपको मैं पूरा एक साथ दिखाऊँ तो आपको समझ में आ जाए ठीक है अब हम आ जाते हैं आ, राइट जो एट्रियल प्रेशर वेव्स होती हैं जिसको हम जेवीपी कहते हैं ठीक है ये भी पूछी जाती है आपसे अब जेवीपी में हमारे पास जो मेन वेव्स हैं वो ए वेव है स्मॉल में लिखते हैं सी वेव है और वी वेव है ठीक है ए वेव कहाँ बनेगी ए वेव ए से याद रखो एट्रियल सिस्टोल में बनती है ठीक है सही सी वेव कहाँ बनेगी सी वेव वहां बनेगी जहां वेंट्रिकल की कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हुई है ठीक है यानी आइसोवाल में कॉन्ट्रेक्शन सी से कॉन्ट्रेक्शन याद रखो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वेंट्रिकल जहां बिगनिंग होती है वहां पे सी वेव बनती है ठीक है और वी कहाँ बनती है वी वहां बनती है जहां पर आयोटिक वेल्स क्लोज हो गए हैं लेकिन एवी ओपन नहीं हुए हैं तो एट्रिया के अंदर वीनस रिटर्न को शो कर रही होती थी तो वी कहाँ बनेगी आइसोवालिक रिलैक्सेशन में तो ये कहाँ बन रही है आइसोवालिमिक कॉन्ट्रेक्शन में ये कहाँ बन रही है आइसोवालिमिक रिलैक्सेशन में तो ये बेसिकली वीनस रिटर्न शो करती है इसके नाम से ही आप इसको याद रख सकते हो ए एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन ठीक है सी कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वेंट्रिकल वी वीनस रिटर्न ये बिगनिंग ऑफ सिस्टली में बनेगी ये एंड ऑफ एसली में बनेंगे कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लो इज दिस क्लियर ओके सो अब आप जब इसके गाड़ी uh, साइकिल के बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जब आप इसको करोगे तो आई थिंक अब आपको इसमें उस तरह से कंफ्यूजन नहीं होगी आप रट्टा लगा के मत इसको करो आप इसको एक बार समझ के याद करोगे तो आपके इनशाला जो है ना वो एम सी की साइकिल के जो है ना वो गलत नहीं होंगे ठीक है एनी थिंग यू नीड रिविजन इन द कार्य साइकिल ठीक हम सबको साथ में इस तरह से देख सकते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड सेकेंड हार्ट साउंड बिगनिंग ऑफ सिस्टली एंड ऑफ सिस्टली ठीक है ये वाला जो है लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर कर्व है जीरो से जहाँ पे क्लोज हुए एटी पे जहाँ पे आयोटिक ओपन हुए ठीक है आयोटिक क्लोज हुए ये, ये डॉटेड वाला जो है ये डायक्रोटिक नॉच है ठीक है थेके? सही है ए वेव सी वेव और जो है हमारे पास कहाँ कहाँ बनेगी ए वेव सी वेव कहाँ बनेगी ये कौन सी वेव है ये सी है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एंट्रिकल में आइसो वाले में कॉन्ट्रेक्शन में बन रही है ठीक है क्लियर है ये चीज ये देखो यहाँ बन रही है ठीक है ये एट एल्व सस्ली में बन रही है और ये आइस रिलैक्सेशन में बन रही है वीनस की वेव टी वेव कहाँ बनेगी डायस्टली से पहले बनेगी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा सिस्टली स्टार्ट होने से पहले बनेगा ठीक है यही आपके एमसी के यूज़ होते हैं साइकिल को लेकर अच्छा जी अब हम स्टार्ट करते हैं आ, मेरे ख्याल में अब इसी को डिटेल में कर लेते हैं uh, कार्य के रिदमा से स्टार्ट करते हैं ब्लॉक्स वगैरह कर लेते हैं हमारे पास अभी टाइम तो काफ़ी सारा है अच्छा अब हम uh, स्टार्ट करते हैं पहले मेरे हमें जो एवी ब्लॉक्स हैं उधर से स्टार्ट करते हैं और फिर हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे सो so, सबसे पहले अगर हम एवी ब्लॉक की बात करें तो एवी वी ब्लॉक जो है वो तीन तरह के हैं वी हैव अ फर्स्ट डिग्री ब्लॉक सेकंड डिग्री ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री ब्लॉक ठीक है फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में आज से कोई इशू नहीं होता सिवाय इसके अच्छा आई थिंक के uh, सिवाय इसके कि पी आई इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है ठीक है तो नॉर्मल अगर पी आई इंटरवल जो है पॉइंट सिक्सटीन सेकेंड का है सो अगर ये पॉइंट ट्वेंटी सेकेंड तक का हो जाए तो वी से इट्स आ फर्स्ट डिग्री ब्लॉक अच्छा अब पी आई इंटरवल लेते कहाँ से कहाँ तक है रिमेंबर पी आर इंटरवल लेते हैं फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ पी वेव से ठीक है टू द बिगनिंग ऑफ अगर क्यू uh, वेव होगी तो क्यू वेव की बिगनिंग तक लेंगे ठीक है अगर आर वेव होगी तो बिगनिंग ऑफ आर वेव तक लेंगे ठीक है ये दोनों बिगनिंग बिगनिंग में है ठीक है पी टू पी आर इंटरवल ठीक है जब मैं क्यू टी की बात करूंगी तो क्यू टी हम बिगनिंग ऑफ क्यू से ठीक है एंड ऑफ टी तक लेते हैं तो फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक में क्या है, दा दा, आ, आ, आ जो है वो सिंपल कुछ भी नहीं हुआ सिम्पलशन एवी नोडल डिले वैसे भी नॉर्मल है एवी नोडल डिले क्यों होता है इट अलाउजर फिलिंग ऑफ एंट्रिकल रीजन क्या होता है क्योंकि वहाँ पर जो है कंडक्टिंग फाइबर्स काम है वहाँ पेप जंक्शन काम है सो इट अलाउज द देंट्रिकल ठीक है लेकिन जो है अगर ये पॉइंटीन से पॉइंटी हो जाए पॉइंट ट्वेंटी का मतलब फोर स्मॉल बॉक्सेस ठीक है तो हो जाए तो हम कहते हैं ये फर्स्ट डिग्री ब्लॉक है वी कम सेकंड डिग्री ब्लॉक ठीक है? अच्छा सेकेंड डिग्री ब्लॉक में हमारे पास दो तरह के हैं ठीक है एंड अदर इज मोबिट्स वन में क्या हो रहा होता है ठीक है टिल देर इज अ ड्रॉप बीट ठीक है ग्रेजुअली इंक्रीज इन दी आर इंटरवेल टिलर इज ड्रॉप बीट दिस इज कॉल मोबिट्स वन और वैन की बैच ठीक है इन डिग्री के अंदर ही मोबिट्स टू होता है उसके अंदर क्या होता है कि देर इज अ पैटर्न ऑफ द वेव वे दो बीस ट्रांसफर हुई फिर ड्रॉप हो गई तीन ट्रांसफर हुई एक कोई पैटर्न होता है टू का पैटर्न है इज टू वन का पैटर्न है फोर इज टू वन का पैटर्न है ये वाला जो सेकेंड डिग्री ब्लॉक है मोबिट्स टू यहाँ से हमें वी नीड द पेस मेकर ठीक है तो यहाँ पे वी नीड द पेस मेकर अदरवाइज जो है हार्ट कंप्लीट ब्लॉक भी हो सकता है उसके बाद हम आ जाते हैं जो है वीव अच ब्लॉक यू कैन अप्रिशिएटर के ये देखो ये पी आर इंटरवेल ठीक है ये ड्रॉप बेट सही अच्छा जी नाउ वी आर कमिंग टूट दर्ड डिग्री ब्लॉक इन थर्ड डिग्री ब्लॉक देर इज नो जो है एसोसिएशन बिटवीन दी वी एंड दू आर एस कॉम्प्लेक्स ठीक है क्या हो रहा होता है कि जो है ए भी कम्प्लीटली ब्लॉक है ठीक है सो नाउ वेंट्रिकल्स बेसिकली आर कॉन्ट्रैक्टिंग एट द रिडम ऑफ ठीक है, सो यहाँ पे आता है कि थर्ड डिग्री ब्लॉक के अंदर आपको पी जो है एट्रियल रिपोलराइजेशन भी दिखती है नॉर्मली एट्रियल रिपोलराइजेशन नहीं दिखती है आपको क्यों नहीं दिखती क्योंकि वो ओवरराइड कर देता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ठीक है लेकिन इन थर्ड डिग्री हार्ड ब्लॉक में आपको जो है एट्रियल एवेल्व रिपोलराइजेशन वेव जो है वो देख सकती है ठीक है सो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको कोई रिपोलराइजेशन की नीचे की वेव जो है वो स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो, हो गई है बोल रही है स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो गई यस ओके सो आपको जो है थर्ड डिग्री हार्ड ब्लॉक में जो है एट्रियल रिपोलराइजेशन की वेव भी दिखे दिख सकती है ठीक है ये एमसीक्यू में आता है ये भी ठीक है और क्या होगा आपको जब थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक पेशेंट में होगा तो ये जो फिनमना होता है जब क्योंकि थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के साथ जो है ऐसा नहीं हो सकता है कि पेशेंट जो है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में जो है वो नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हूँ ठीक है तो यूजुअली क्या होता है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक जो है ना समाइम्स पेशेंट जो है उसको वो ब्लॉक में चला जाता है समटाइम्स वो नॉर्मल हो जाता है समटाइम्स चला जाता है देन नॉर्मल हो जाता है फॉर देट ट्रीटमेंट और जब भी उसको ब्लॉक में जाएगा तब वो फेंटिंग उसको फिनॉमना होगा वो फेंट होगा ठीक है उसके बाद जो है पर्कंजी फाइबर्स दे स्टार्ट बीटिंग और फिर से वो रिवाइव करेगा और फिर अगेन जो है उसका हार्ट रेट उस वक्त बहुत कम होगा ठीक है क्योंकि वेंट्रिकल्स जो है वो बीट करेंगे परकंजी फाइबर के रिदम से ठीक है जो कि बहुत ही स्लो होगा एज कम्पेयर टू तो ऐसे नोडल रिदम ठीक है तो दे कैन बीट अप टू द मैक्सिमम फिफ्टीन टू ट्वेंटी फोर्टी बीट्स मैक्सिमम तक अगर हम ले जाएं ठीक है तो यहाँ पे जो फिनमिना होता है जब थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक जो है सम पेशेंट्स में किसी वक्त हो रहा है और किसी वक्त जा रहा है तो उस फिन को हम कहते हैं स्टोक एडम सिंडोम इस पे एक क्यों भी था पिछले दिनों डिस्कस भी कर रहा था वॉट इज स्टोक एडम सिंड्रोम की जब थर्ड डिग्री ब्लॉक होता है ठीक है उस वक्त फॉर सर्टन पीरियड टाइम पेशेंट ऑब्वियसली उसका हार्ट स्टॉप्स बीटिंग ठीक है वो फाइव टू थर्टी सेकेंड का टाइम होता है ठीक है जिसको हम कहते हैं कि वो सप्रेशन में ओवर ड्राइव सप्रेशन में ठीक है उस वक्त पेशेंट फेंड भी हो सकता है अनकॉन्शियस भी हो सकता है उसके थोड़ी देर बाद जो है पकन जी जो है वो अपना पेस मेकर वाला काम शुरू कर दे सकते हैं ठीक है थीके? हमारे पास हार्ट में तीन पेस मेकर है एक ऐसे नोट है अगर ऐसे नोड काम करना छोड़ देगा तो एवी नोड काम करेगा अगर ए वी भी काम करना छोड़ देगा तो देन पकन जी काम करेंगे तो क्योंकि यहाँ ए वी बिल्कुल ब्लॉक है हो सकता है ऐसे बिल्कुल ठीक काम करा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्रॉब्लम इन ओनली पाथवे विच इज अवेलेबल इज इज ए नोड ठीक है और कोई पाथवे नहीं जो है वेंट्रिकल में आने के लिए शॉर्ट कट दूसरा पाथवे बना हुआ ठीक है सो दिस फिन वी कॉल द वेंटिकुलर स्के

ठीक है तो ये एमसी के पॉइंट है वहां पे आप ये देख लेना अच्छा जी उसके बाद हम आ जाते हैं प्रीमेच्योर कॉन्ट्रेक्शन पे अब अगर प्रीमे कॉन्ट्रेक्शन यूजली जो हो रही होती हैं वो किसी ऑब्वियसली वो प्रीमेच्योर हो रही है तो वो किसी एक्टोपिक फोका ऐसे हो रही है तो जब भी प्रीमेच्योर कॉन्ट्रेक्शन होंगी तो वहां पे उसके साथ जो कॉरेस्पॉन्ड करेगा वो पल्स डेफिसिट कॉरेस्पॉन्ड करेगा ठीक है तो हार्ट बीट करेगा लेकिन जो है पल्स नहीं आ रही होगी दैट इज द प्रीमेच्योर कॉन्ट्रेक्शन ठीक है अगर ये एट्रिया में होगी तो हम इसको प्रीमेचोर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे कहेंगे ठीक है और अगर ये वेंट्रिकल में होगी तो हम इसको पीवीसी कहेंगे इट है जिसमें इवन निकोटीन का ओवरडोज हो सकता है पी एस नॉट डेंजरस ठीक है PSEs, ये इवन इनिया uh, की वजह से भी हो सकता है ठीक है मगर इसके बाद जो दूसरी वेव बनेगी तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये वेव जो है बिफोर टाइम आ गई है ठीक है दिस इज द नॉर्मल टाइम तो इसके बाद की जो दूसरी वेव आएगी वो जो है थोड़ी डिले होगी सो दिस डिले वी कॉल द कॉम्पनसेटरी पॉज ठीक है और इस पे जो बीट होगी वो मिस होगी यानी कि हार्ट बीट करेगा मगर पल्स सॉरी मिस होगी तो दिस इज कॉल्ड पल्सेस डेफिसिट ठीक है अगर यही पैटर्न जो है वो वेंट्रिकल में हो यानी वेंट्रिकल के अंदर एक टॉपिक अच्छा एक और चीज़ जो एम सी उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब पी होगी वो कैसे हमें पता चलेगा ये पी है पीवीसी नहीं है तो पी के अंदर देखो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और पी वेव में कोई फर्क नहीं होगा पी वेव को ही फॉलो करेगा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्योंकि बीट जो है जो एक्टोपिक टॉपिक होका है वो एटिया में है ठीक है अच्छा उसकी बन नस्बत अगर पीवीसी की हम बात करें तो पीवीसी में देखो आपको कि बिल्कुल डिफरेंट तरह की वेव मिलती है ठीक है तो इसके जो पीवीसी के करेक्टरिस्टिक्स क्या है ब्रॉड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टॉल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ठीक है एंटी टी इनवर्जन अगर आप देखो ये सब आपको इस सब में दिख रहा है ब्रॉड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टॉल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंटी टी इनवर्जन ठीक है ये पीवीसी के करेक्टरिस्टिक्स है अगर वेंटिकुलर टेकि कार्डियाज हों तो उसके भी यही करेक्टरस्टिक्स होंगे पीवीसी और वेंटिकुलर टिकार्डियाज में क्या मतलब है कि पीवीसी ओकेजनल फाइंडिंग है ठीक है और जो वेंटिकुलर टेकी कार्डियाज में क्या है पूरा जो है वेंटिकुलर टेकिकार्डियाज की पूरी की पूरी एक बीट होगी यानी पूरी की पूरी एक रिदम होगी जिसमें वेंटिकुलर टेकि कार्डियाज प्रोड्यूस होंगे तो अगर पीवीसी मिलती है हमें जो है या जो मल्टीपल पीवीसीज मिलती हैं या हमें वेंटिकुलर टेकि कार्डियाज मिलते हैं तो दैट इज़ अ डेंजरस थिंग ठीक है हम जो है उसको क्लिनिकली सिग्निफिकेंट समझते हैं कि ये जो है किसी वक्त भी पेशेंट किसी ए में जा सकते हैं दिस क्लियर पीवीसी एंड द वेंट्रिकुलर दैरॉक्समलर और ये पी वेव को फॉलो नहीं करेगी पीवीसी ठीक है क्योंकि यहाँ पे रिदम जो है वेंट्रिकल का है नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्सोम द लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम हम देखते हैं क्यूटी वेव क्या थी फ्रॉम बिगनिंग ऑफ क्यू वेव ठीक है टिल एंड ऑफ टी वेव ठीक है तो अगर हम ये पूरे ड्यूरेशन को देखें तो ये पूरा का पूरा ड्यूरेशन जो है वो क्यू आर एस कॉम्पलेक्स को और टी वेव को कवर करता है यानी ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वेव है लेकिन अगर हम इसको कार्डिक साइकिल में देखें तो ये पूरा जो क्यूटी इंटरवल है ये एक्चुअली पूरा ड्यूरेशन है सिस्टोल का तो अगर एम सी क्यू में आता है कि क्यूटी इंटरवल शोज दिस्टली ड्यूरेशन तो इट्स इट्स करेक्ट ठीक है क्यूटी इंटरवल क्या शो करता है द सिस्टोल का ड्यूरेशन

वो स्टार्ट अनदर एक्शन पोटेंशियल ठीक है ड्यू टू द प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल और जिसकी वजह से जो है कोई एरेदमियाज हो सकता है तो यूजुअली इसको याद करने का तरीका क्या है कि कहाँ कहाँ जो है क्यूटी सिंड्रोम हो सकता है कंजेनाइटल हो सकता है लेकिन यूजुअली अक्वायर्ड होता है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस में होता है जिसमें सारे हाइपो जो अलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है हाइपो मैगनीशीमिया हाइपो कैलीमिया हाइपो कैलसीमिया ठीक है ये जो है वो क्यूटी प्रोलॉन्ग करा सकते हैं इसके अलावा कुछ एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं ठीक है ये क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग कराती हैं वी नो दैट ठीक है इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक हैं जैसे फ्लोरोन एथोमाइसिन ये जो है क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करवा सकते हैं पेक्सीजमल टेकीकार की हमने बात की ठीक है हमें एट्रियल टेकिडिया और वेंटिकल टेकिाडिया से कैसे डिफ्रेंसिएट हम करेंगे कि एट्रियल टेकिडियस के अंदर हमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पी वेव को फॉलो करता हुआ मिलेगा पी वेव अगर इन्वर्टेड मिल रही है ये ये शो कर रहा है कि ये जो फोकाए हैं वो नियर द एवी नोड है जितना एवी नोड के नियर होगा उतना पी वेव के इन्वर्जन के चांसेस होंगे जितना वो एवी नोड से दूर होगा उतने इन्वर्जन के चांसेस कम होंगे वाइल्ड कोई पी वेव आपको नहीं मिलेगी देखो ठीक है ब्रॉड टॉल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विद इन्वर्टेड टी वेव्स Why it's dangerous? It may lead to the ventricular fibrillation, one of the most dangerous arrhythmia of the heart. Okay, or patient can become unconscious in four to five seconds. Okay, so we need the defibrillator. Okay, or resuscitation immediately. अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं. This is the ECG. ठीक है initially कुछ voltages होंगे 2.2 to 2.3 millivolts के, लेकिन उसके बाद वो भी खत्म हो जाएंगे. Atrial fibrillation. ठीक है एट्रियल फेबुलेशन में यूजुअली जो प्रॉब्लम होता है वो टेकी कार्डियाज होते हैं लेकिन इसका जो जो यूजुअल जो हमें क्लिनिकली प्रॉब्लम होता है कि इसकी वजह से एम्बॉलिज हो सकते हैं ठीक है ना तो अदरवाइज एट्रियल एटी जो एट्रियल फेबुलेशन के साथ पेशेंट इजीली सर्वाइव करता है ठीक है लेकिन जो है उसमें टेकि कार्डिया होते हैं और यहाँ पे आपके पास जो जो ईसीजी होगी वो इरेगुलरली इरेगुलर irregular होगी ठीक है दिस इज अगेन एन नाम सिक यू सो इरेगुलरली इरेगुलर जो है ईसीजी जो है जो होगी हार्ट रेट होगा दैट इज दैट इज शोइंग एबुलेशन ठीक है अच्छा जी अब उसके बाद हम आ जाते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है हार्ट रेट बहुत ज्यादा फास्ट हो सकता है विथ इेगुलर बीट ठीक है हर एक बीट और दूसरी बीट के बीच में जो है ड्यूरेशन वेरिएशन होगी जितनी जो ए बी को स्केप करेगा वो वेंट्रिकल को ई सी जी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स देगा जो नहीं करेगा वो नहीं देगा ठीक है उसके बाद फ्लैटर पे हम आ जाते हैं फ्लैटर ऑफ और मेंबुलेशन में, में डिफरेंस क्या है कि फ्लाटर के अंदर जो है देर इज अंकनस वेव होती है ठीक है और जो है अगेन uh, जो है वेंट्रिकल बीट इज वेरी हाई ठीक है लेकिन यहाँ पे हमें पी वेव बहुत ज्यादा जो है वो टॉल ठीक है और प्रोमनेंट पी वेवस मिलते हैं ठीक है जिसको हम सो टूथ अपरेंस कहते हैं पी वेव की विच इज प्रेजेंट इन द एट्रियल फ्लटर ठीक है दिल फ्लसीजी चेंजेस विच यू नीड टू नो के अफेक्ट ऑफ डिफरेंट आइंस जो कि अक्सर आपको तंग करते हैं हाइपर कैलीमिया ठीक है इसीजी में टॉल टी वेव्स बनाएगा ठीक है हाइपर कैलीमिया अगर बहुत सिवियर हो ठीक है 8.5 में ली इक्विलेंस से ज्यादा वी नो दैट हाइपरकेलेमिया इज मेडिकल इमरजेंसी बिकॉज़ इट कैन लीड टू द कार्डियक अरिथमियाज ठीक है ना वीएफ में पेशेंट जा सकता है ठीक है तो अगर 8.5 से ज्यादा हो तो टॉल टी वेव्स के साथ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी ब्रॉड हो जाते हैं ठीक है हाइपोकेलेमिया ठीक है इनिशियली प्रोड्यूसेस द यू वेव ठीक है एंड यू वेव जो है इट शोज ऑफी एंड यूजअली जो है ये मिक्स हो जाती है विद द टी वेव तो ये लॉन्ग क्यूटी इंटरवेल वाला फेज दे रही होती है ठीक है और अगर हाइपोकलीमिया सीवियर हो जाए ठीक है so, सो उसके साथ जो है टी इन्वर्जन भी शुरू हो जाती है ठीक है एनी क्वेश्चन सो फार